हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अयाल लोन। आज जो वीडियो रहने वाला है ये हर एक के लिए रहने वाली है, जो भी चाहे वो कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो चाहे वो हायर सेकेंडरी के अंदर पढ़ रहे हो, क्योंकि हमने देखा है पिछले बहुत टाइम से एक ट्रेंड चल रहा है। क्या ट्रेंड है? जैसे शराब का नशा शराबी को होता है और जो ड्रग्स वाले होते हैं उनको ड्रग्स का नशा रहता है, इस तरह से आजकल एक हमारी सोसाइटी में देखा गया है एक और नशा जो है वो बीसी गेम या फिर हम बात करें एविएटर गेम, इसका नशा जो है वो लग चुका है हमारे बच्चों को। दिन क्या रात क्या, अपना जो टाइम है, जो टाइम इस टाइम उनको पढ़ना चाहिए अच्छी तरह से, और वो जो टाइम है वो जाया करके आज वो अपना टाइम पूरा जाया कर रहे हैं, और कोई बीसी गेम खेल रहा है और कोई एविएटर गेम खेल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप जब सोशल मीडिया में कोई चीज भी देखोगे वहां पे आपको कुछ एड्स आएंगी, और वो एड क्या होंगी, उनको एड को देने वाले होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा, कहीं सचिन तेंदुलकर देखने को मिलेगा और कहीं विराट कोहली देखने को मिलेगा। और आप जब सोचते हैं कि हाँ जी ये एविएटर गेम के बारे में हमने तो सचिन तेंदुलकर बोल रहा है या विराट कोहली बोल रहा है, तो उसके उसके चक्कर में वो लोग आ जाते हैं और वो जब गेम इंस्टॉल करते हैं तो फिर मैं उसी में खोए रहते हैं, क्योंकि वो जो नशा है बैटिंग गेम कोई भी हो इसका नशा बड़ा खतरनाक होता है, और जब इस नशे में वो घुसते हैं तो अपने लाखों रुपए जो है उसका नुकसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना विराट कोहली कहीं स्पॉन्सर कर रहे हैं ना कहीं सचिन तेंदुलकर जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि AI जो है आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपने देखा है आज सब कुछ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ज्यादा चल रहा है, और बहुत सारे आप समझ सकते हैं बहुत सारे वीडियोस को एडिट किया जाता है, वॉइसेस को एडिट किया जाता है और लोगों को बेवकूफ जो है वो बनाया जाता है। बहुत सारी कंपनीज फ्रॉड कंपनीज ऐसी होती हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन पॉलिटिशियन को, क्रिएटर्स को या एक्टर्स को इनका वॉइस लेकर AI के साथ ये आप एडिटिंग करके आगे बच्चों को ये बेवकूफ बनाते हैं, और बच्चे जो है वो जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। वो सोचते हैं अगर सचिन तेंदुलकर की लड़की जो है लाखों कमा सकती है, अगर विराट कोहली जो है करोड़ों कमा सकता है तो हम भी कमा सकते हैं, और इसी नजर को देखते हुए हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने अपने लाखों रुपए जो है वो नुकसान कर दिए हैं। सबसे पहले हम बात करें, हम देखते हैं कि जो गेम होती है चाहे बीसी की बात करें या एविएटर की बात करें, ये गेम जो है इसमें बताया जाता है कि जो प्लेन चलता है जब तक प्लेन चलता रहेगा तो पैसा आता रहेगा, और हमने देखा है बच्चे कोई कहते हैं कि ओ जी हम 100x क्रॉस कर चुके हैं, कोई कहता है 200x क्रॉस कर चुके हैं। हालांकि जब स्टार्टिंग में आप इस बैटिंग ऐप के ऊपर 500 रुपए लगाते हैं या 100 रुपए लगाते हैं तो स्टार्टिंग में ये तो फायदा देता है, और इतना इस चश्के में इंसान पड़ जाता है कि वो जो बच्चे हैं ना वो फिर माँ बाप से बाद में गुस्सा भी करते हैं कि हमें पैसे चाहिए, हमें पैसों के लिए ये लाना है वो लाना है। और वो जो पैसा है कहीं ना कहीं आप देखोगे जो कॉलेज के साथ हॉस्टल है, हॉस्टल्स के अंदर भी रात को बच्चे जो है या तो बीसी गेम खेल रहे होंगे या एविएटर गेम खेल रहे होंगे। इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है खासकर आप बच्चों के साथ कि ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसी बैटिंग ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपका जो टाइम है, ये जो क्रिशियस टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, तो इस टाइम को आप जाया मत कीजिएगा। एग्जाम आपके पीक पे है, बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज के अंदर या कॉलेज के अंदर एग्जाम चल रहे हैं, और 11th 12th की जेके बोस हो या कोई आपका CBSE हो, तो आपसे ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप ऐसा मत समझो कि सचिन तेंदुलकर जो है उसकी बच्ची खेल रही है, ये बिल्कुल गलत है। AI का गलत जो है उन्हें फायदा उठाया है, और ऐसा फ्रॉड कंपनी में जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप लाखों रुपए अपना नुकसान का सलूट करो। तो देखा आपने टेक्नोलॉजी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि किसी और की आवाज को भी यहां पर यूज करना पॉसिबल हो चुका है। जब भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिले वैसे ही आपको चुकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। जो डीप फेक AI टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करके जो लोग आजकल हमने देखा है जो जिन लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है वो यही डीप फेक AI टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं आज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी डाउनलोड कर रहे होंगे किसी के मतलब सचिन की या किसी न्यूज एंकर की रिपोर्ट देख के कि हाँ जी ये कर रहे हैं, AI का इस्तेमाल करके उन्होंने ये वॉइस जो है वहां पे एडिट की है,
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम बचाकर पढ़िएगा और ये टाइम जो है अपना जाया मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इस बार अगर आज आपने इस लत पे पड़ गए तो आगे आने वाला टाइम जो है आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी गलती आप नहीं करना। जब भी एडवर्टाइज आए तो आप उसको क्रॉस करके उसको पास करके आप निकल जाइएगा। तो टीचिंग बायोलॉजी में जुड़ने के लिए सभी का हम बहुत खैर मकदम करते हैं और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम कोशिश करेंगे जहां भी आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं क्रिएट हो जाए हम आपके लिए सोल्यूशन, आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए काउंसलिंग जो है हम करते रहेंगे।